नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। वक्त है दोपहर की 200 हेडलाइंस का, लेकिन पहले बड़ी खबर बिहार से, जहां बेगूसराय शूटआउट में मारे गए चंदन कुमार का थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चंदन के अर्थी को कंधा दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कल एक चौंकाने वाली घटना बिहार से सामने आई थी, बेगूसराय से सामने आई थी, जहां बाइक पर सवार दो अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की थी और इसमें एक शख्स की जान चली गई, जिसका थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस वक्त आप गिरिराज सिंह को देख रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री में, और साथ ही आपको बता दें कि बेगूसराय के वो सांसद भी हैं। लगातार उन्होंने इस पूरे घटना पर नजर बनाए रखी थी। आज सुबह सुबह ही वो पहुंचे बेगूसराय। बेगूसराय पहुंचने के बाद वो मुलाकात करने पहुंचे चंदन के घर, जहां पर आप देख सकते हैं कि चंदन के पार्थिव शरीर को इस वक्त अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार बिहार में क्या हो रहा है कि खुलेआम इस तरह से फायरिंग होती है और 10 लोग उसका शिकार होते हैं, जिसमें एक बेगुनाह की जान भी चली जाती है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने गिरिराज सिंह से बात करने की कोशिश की। गिरिराज सिंह ने कहा कि चंदन की सिर्फ इतनी गलती है कि वो बिहार में पैदा हो। आक्रोशित है, ये सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चंदन की क्या गलती थी। सर, चंदन की क्या गलती थी? चंदन की गलती थी कि बिहार में पैदा लिया और यहाँ एक जंगल राज। लोग यहाँ काफी गुस्से में है जिस तरह से घटना, यहाँ के लोग बड़े गुस्से में जिस तरह से। अभी मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं। गिरिराज सिंह भी भावुक हो रखे हैं। यहाँ के तमाम जो लोग हैं वो गुस्से में हैं और सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर क्या गलती थी चंदन की। चंदन जो अपने घर में सबसे बड़ा था, जिसके कहने पे घर को चलाने का जिम्मा था, वो बिजली विभाग में सुपरवाइजर था, उसको क्यों गोली मार दी गई, ये सवाल सबके जहन में। और आखिर अब चंदन का परिवार कैसे आगे चलेगा, ये सवाल भी यहाँ के लोगों के जहन में। और गिरिराज सिंह इतने दुखी थे कि वो अच्छे से बात भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ऐसे गम के माहौल में कुछ भी कहा जाना मुश्किल है और शब्द नहीं मिलेंगे। गिरिराज जी, आप यहाँ भी आपने मुलाकात की, जो जिनकी मौत हो गई है चंदन, उनके परिवारों ने सांत्वना दी, अब आप जा रहे पीड़ितों से मिलने। अब मेरा यहाँ का प्रतिनिधि हूँ। जो घटना घटी है ये घटना दर्दनाक घटना है, इसलिए मुझे ये दुख की घड़ी में इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो गिरिराज सिंह खासे दुखी है और जिस तरह से ये घटना घटी है, एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 से 10 लोग घायल हैं। अब गिरिराज सिंह चूंकि यहाँ के स्थानीय सांसद भी हैं, लिहाजा वो यहाँ पर आए थे। चंदन जिनकी यहाँ पे गोलीबारी में मौत हो गई थी, उनकी अर्थी को इन्होंने कंधा दिया, उनके परिवार वालों को सांत्वना दी और अब वो यहाँ से अस्पताल जा रहे हैं, जहाँ पर जो घायल है वो एडमिट है, उनसे मिलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।